तो जैसा कि तुम लोगों को पता होगा, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मैं सेटअप में ना एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, एक माइनर सा अपग्रेड करने वाला हूँ। तुम्हें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, तो क्या उसके लिए वीडियो चाहिए या नहीं। तो यार सब ने बोला था चाहिए चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, नहीं की और पूछ पूछ, और ऊपर से मैं डेली वीडियो डालता हूँ तो मेरे को भी कंटेंट चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कि क्या सेटअप अपग्रेड होने वाला है, और वीडियो छोटी नहीं होने वाली है, भले ही सेटअप अपग्रेड छोटा हो। ऐसा क्यों, ये तो वीडियो में ही पता चलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त मुकुल, और आप देख रहे हो फनटेक बूम यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात, अगर तुमने अभी तक मेरा सेटअप टूर वीडियो नहीं देखी है, मतलब जिसमें मैंने अपना पूरा सेटअप अपग्रेड कर दिया था बहुत ही कम बजट में, 1100-1200 रुपए में पूरा, ये जो पीछे लाइटनिंग, वॉलपेपर, पोस्टर्स, टेबल वगैरह सब दिख रहा है, सब कुछ करा था बिल्कुल बजट में रह के, तो यार पहले उसे देखो सेटअप अपग्रेड देखने से पहले, नहीं तो इस वीडियो को देखने का क्या मजा आएगा। जब तुमने सेटअप ही नहीं देखा बनते हुए, तो सेटअप अपग्रेड देखकर क्या करोगे। तो यार पहले उसको देख लेना, आई बटन में और पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर रूम टूर या फिर ऐसा कुछ चाहते हो कि मतलब मैंने वो वाली वीडियो भी बना रखी है कि मैं कैसे शूट करता हूँ, कैसे पीछे लाइट सेट होती है, कौन सी पीछे लाइट जलती है, कौन सी आगे जलती है, कैसे कैसे चेयर्स वगैरह एंगल सब कुछ बता रखा है, तो उस वीडियो का लिंक भी पिन कमेंट में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाकर भी देख सकते हो। उसमें पूरा बताया था कैसे मैं अपनी वीडियोस को शूट करता हूं। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, टॉपिक पे बात करता हूं। तो हाँ यार, वो छोटा सा अपग्रेड होने के वाला है। देखो माइक, ट्राइपॉड, कैमरा मेरा वही रहने वाला है। कैमरा मतलब मैं स्मार्टफोन से ही शूट करता हूं, जो अपने रियलमी 6 प्रो से, लाइटनिंग भी यही रहने वाली है। पीछे जो तुम्हें बैकग्राउंड दिख रहा है ना, इसको अपग्रेड करने का मैं सोच रहा हूं, बट यार सोच तो मैं देखो रोल्स रॉयस लेने का भी रहा हूं, बट सोचने से कुछ नहीं होता। तो हो सकता है फ्यूचर में बहुत जल्दी अपग्रेड तुम्हें पीछे भी देखने को मिल जाए, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने सोच रखी हैं, अभी आइडिया रिवील नहीं करूँगा। तो बैकग्राउंड भी यही रहने वाला है, लाइटनिंग भी यही रहने वाली है, इसके अलावा जो मैं यहाँ बैठता हूँ तुम्हें यहीं बैठा मिलूँगा, जो चेहरा तुम्हें दिखता है ऐसा ही दिखेगा, और क्या चेंज होने वाला है। जी हाँ, सिर्फ एक चीज़ बच जाती है, जब मैंने कह दिया यार माइक, लाइटनिंग, बैकग्राउंड दिखने में तुम्हें सब यही दिखेगा, मैं भी तुम्हें ऐसा ही दिखूँगा, यहीं बैठा मिलूँगा, तो एक चीज़ बच जाती है, वो है ये। नहीं, मैं टेबल अपग्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर तुमने मेरी सेटअप टूर वीडियो देखी है ना, तो तुम्हें पता होगा ये जो टेबल है वो 400-500 रुपए की एक गत्ते की टेबल है, जो स्टडी टेबल टाइप आती है, मतलब पीजी वाले जने इसे ज़्यादा जानते होंगे। और इस पे मैंने ये 100-150 रुपए का एक वॉलपेपर चढ़ा रखा है वुडन फिनिश में, जिसकी वजह से ये काफ़ी सुंदर, अति सुंदर लगने लग जाती है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ जब मैं टेबल अपग्रेड नहीं कर रहा, तो नहीं, मैं इसका वॉलपेपर भी अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो यार देखो, इसमें मेरे को 2-3 दिक्कतें आती हैं। सेटअप टूर वाली वीडियो तो मैं पता है मेरे पास बहुत लिमिटेड बजट था, तो मैंने घटिया से घटिया क्वालिटी का वॉलपेपर लिया था, जो कि मैं 2 बार चेंज कर चुका हूँ, बट इस पर मैं एक बोतल भी रख दूँ तो ऐसे उछल जाता है, क्या करूँ मैं, इसका बहुत ही सेंसिटिव है। और इसके अलावा दूसरी दिक्कत, मेरे को ऐसा लगता है यार, डार्क बैकग्राउंड के साथ डार्क टेबल थोड़ी जचती नहीं है। नहीं, मैं टेबल अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं टेबल के बारे में बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ। तो हाँ, तुम्हें हो सकता है अच्छी भी लगती हो, बट मेरे को ऐसा लगता है अगर इसकी जगह वाइट हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, मैं इस पर वाइट वॉलपेपर भी नहीं चढ़ाने वाला हूँ। और जो तीसरी दिक्कत लगती है ना इस वॉलपेपर के सेंसिटिव होने के बाद, ये टेबल बस यहीं तक ख़त्म हो जाती है, जो कि वीडियो में थोड़ा मतलब प्रोफेशनल नहीं लगता है कि यार अगर लंबी जा रही हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब तुम्हें बहुत कन्फ्यूज़न हो गई है कि टेबल भी अपग्रेड नहीं कर रहा है, वॉलपेपर भी नहीं चढ़ा रहा है, इसको बड़ी करने की भी बात कर रहा है। तो जो मैं अपग्रेड करने वाला हूं ना, वो सीधा करके दिखा देता हूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हो गई। तो नहीं, मैंने टेबल अपग्रेड नहीं करी है, तो ये तुम कह सकते हो एक छोटा सा अपडेट, मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसकी कॉस्ट है ना मेरे को अपने ये पूरे सेटअप से भी ज़्यादा पड़ी है, क्योंकि यार सेटअप तो मैंने 1200 रुपये कुछ में ही बना लिया था, तुमने सेटअप टूर वाली वीडियो में एक एक बजट का देखा होगा। इसकी कितनी कॉस्ट पड़ी है और कितना मैं मतलब सब कुछ बताऊँगा कैसे पड़ी है। लेकिन अब ये पूरा अपग्रेड नहीं है, इसके अलावा अभी एक और अपग्रेड है, वो मैं दिखा देता हूँ। लेकिन और भी फ्यूचर में बहुत सारे अपग्रेड देखने को मिलेंगे, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है यार, बट वही बात है, सोचने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा मैंने टेबल के लिए भी सोच रखा है, माइक के लिए भी, बैकग्राउंड के लिए भी, अपडेट देखने को मिलते रहेंगे, हर अपग्रेड पे वीडियो बना दूंगा। बट जो मैं दूसरा अपग्रेड कह रहा हूँ, इसकी जगह एक और अपग्रेड दिखाता हूँ। तो ये रहा इसको दूसरा अपग्रेड कह सकते हो, हालांकि तुम्हें वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, बट ये ज़्यादा अच्छा है, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा है। क्लोज लुक अभी दिखाऊंगा मैंने करा क्या है, क्या चीज़ है,
कितने पैसों में बनी है, अभी तुम्हें क्लोज लुक दिखाऊंगा और क्यों ग्रे अच्छा है, क्यों व्हाइट अच्छा है, मैं दोनों का बताता हूँ। क्योंकि अगर तुम्हें ओवरहेड शॉट्स चाहिए होंगे ना मेरे को अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह के लिए, तो इसका टेक्सचर काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छा सा आएगा। और व्हाइट में भी मतलब डुअल साइड सनमाइका मैंने अलग अलग लगवाई है, वो मैं सब बताऊंगा, अभी डिटेल दूंगा। और व्हाइट तुम्हें जब अच्छा लगेगा जब मैं ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो दोनों साइड का मेरा काम हो जाएगा। ये है ग्रे, पीछे है वाइट। अब इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने करवाया क्या। एक टेबल टॉप बनवाया है और दो साइड सनमाइका लगवाई है। तो यार ये देख सकते हो, ये मैंने पूरा बोर्ड बनवाया है और मैंने अपनी उसी टेबल पर रख रखा है। और इस टेबल को थोड़ा सा मैंने आगे इसलिए कराया ताकि तुम्हें लंबाई पता चल जाए, मतलब पहले मेरी इतनी टेबल थी और इसको मैंने लंबा करवा लिया। और चौड़ाई की बात करूँ तो बस टेबल जितना ही करवाया, उससे ज़्यादा की मेरे को जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरी पहले वाली टेबल की चौड़ाई ठीक थी, पर लंबाई मैंने ज़्यादा कराई है। और एक साइड मैंने चिपकवाई है वाइट सनमाइका। अब इसमें भी यार कोई टेक्सचर तो नहीं है, बट इसमें भी चार तरीके थे, मतलब चार रंग थे कह सकते हो, ऑफ वाइट और एक प्योर वाइट, और उसमें भी दो दो तरीके थे, एक क्या कहते हैं शाइनी वाली और एक मैट फिनिश वाली। मैंने मैट फिनिश में लिया और ऑफ वाइट लिया क्योंकि प्योर वाइट थोड़ी ज़्यादा ही मतलब ऐसे लग रही थी जैसे कोई वाइट बोर्ड होता है। तो ये है, लेकिन अब ग्रे की तरफ चलते हैं, उसमें कुछ खास बात है, उसको दिखाता हूँ। तो उसी बोर्ड के दूसरी साइड लगी है ये ग्रे सनमाइका, हालांकि ये प्लेन ग्रे नहीं है। जब अनबॉक्सिंग करूंगा तो तुम्हें समझ आएगी यार इसमें एक टेक्सचर था। अगर थोड़ा क्लोज लुक दिखाऊं, थोड़ा फोकस करने की कोशिश करूं तो यार अब तुम्हें टेक्सचर दिख रहा होगा और अब समझ आ रहा होगा क्यों मेरे को ग्रे ज़्यादा अच्छी लग रही है। हालांकि वीडियो में तुम्हें शायद वाइट ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट जब ओवरहेड शॉट्स लेने होंगे ना कुछ इस तरह, तो ग्रे टेक्सचर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि वाइट भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, दोनों का फ़ायदा मेरे पे मिल जाएगा। तो यही है, वो एक साइड मैंने वाइट चिपकवा दी और एक साइड ग्रे, और इसकी लंबाई ज़्यादा करवा दी है। टेबल के लेग्स मेरे पुराने वाले ही चल रहे हैं, पता नहीं ये झेल पाएगी इसका वजन या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये 8 से 10 किलो का बोर्ड है। तो ये तो तुमने देख लिया। प्राइस की बात करूँ ना तो यार ये तुम्हारे ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि तुम्हें किस क्वालिटी का बोर्ड चाहिए, प्लाईवुड चाहिए, गत्ता चाहिए, किस क्वालिटी की सनमाइका चाहिए, सिंगल सनमाइका चाहिए, डबल सनमाइका चाहिए, कितना बड़ा साइज बनवाना है। तो कस्टम बिल्ड करवाओगे तो पूरा तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम 1000 से लेकर 10000 तक का भी यही सेम चीज़ बनवा सकते हो। और मेरी कितने की बनी है यार देखो, क्योंकि मेरे को डबल सनमाइका लगवानी थी तो सनमाइका की 2 शीट लेनी पड़ी, 1 शीट में काम हो जाता अगर मैं सिंगल लगवाता, तो डबल लगवानी पड़ी यार। मैंने बेसिक मतलब जो जितने की स्टार्ट होती है ना सनमाइका उतने की ली थी जैसा मेरे को काम था, तो 350 की 1 शीट जो कि अभी मेरी बहुत सारी बच भी गई है, और पीछे वाली वाइट वाली भी 350 की शीट, 700 रुपये की मेरी सनमाइका हो गई। इसके अलावा जो इसको बनाने का मतलब फेविकोल लगी, साइडों में जो टेप लगी, मतलब जो वो सनमाइका वाली टेप होती है, लेबर चार्जेस लगे, वो 300 रुपये में मेरी तीनों चीज़ें हो गई, क्योंकि यार एक जानकार सा था तो काफ़ी अच्छा निकल गया। तो 1000 रुपये तो मेरे इसी चीज़ के मान सकते हो। बात करूँ बोर्ड की तो यार अलग अलग साइजेस पे डिपेंड करता है। जितना मैंने साइज़ में लिया ना, अगर तुम गत्ते का लेते हो फाइबर का जैसे मेरी पहले वाली टेबल में, बहुत हल्का भी होएगा और वो तुम्हें 300-400 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा प्लाईवुड का लेते हो तो 600-700 में मिल जाएगा इस साइज़ में। इसके अलावा अगर तुम बोर्ड लेते हो प्रॉपर बोर्ड जो लकड़ी का होता है मोटा, जो इसका ये वजन है ना 8 से 10 किलो होगा आराम से, बहुत आराम से होगा 8 से 10 किलो, तो ये तुम्हें 900 से 1000 का पड़ जाएगा। हालांकि मेरे को ये सिर्फ 500 में ही पड़ा है, ऐसा क्यों कि थोड़ी जुगाड़ जानकारी कुछ भी कह सकते हो, 500 में बस पड़ गया कुछ एक्स्ट्रा पीस, क्योंकि तुम्हें पूरा बोर्ड लेना पड़ेगा। तो मेरे को ये पूरा 1500 में पड़ गया, जो कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पूरे सेटअप से ज़्यादा है। हालांकि तुम्हें शायद हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा हो, या अभी मैंने ढंग से लाइट सेटअप ना करी हो, तो यार यही था वो छोटा सा अपग्रेड। वैसे तुम्हें क्लोज लुक मैंने दिखा दिया है और तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों मैं ग्रे को ज़्यादा अच्छा बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो टेक्सचर है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर मैं कुछ अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करता हूँ, और वाइट तुम्हें जब मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं पर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो लेट करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं मिलूंगा आप जल्द अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग फन टेक, बूम।